अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज लॉजिकल ऑपरेटर। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड टू ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। एज वी नो दैट देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड or and not, and we use logical operators to evaluate compound conditions. Compound conditions कौन सी होती हैं? जब हमने दो एक से ज़्यादा conditions को compare करना हो तो वहाँ पर फिर हम logical operators को क्या करते हैं, use करते हैं। not क्या करता है, हमारे जो result है उसको negate कर देता है। अगर हमारी condition true हो रही है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स हो रही है तो वो उसको ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। राइट एग्जांपल डेट डिस्प्ले, राइट क्यूरी डेट डिस्प्ले ऑल द क्लर्क्स हु अर्न बिटवीन 1000 and 2000। अब वो यहाँ पे क्यूरी ये कह रहा है कि मुझे तमाम क्लर्क्स का रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी या जो 1000 से 2000 के दरमियान कमाते हैं, मीन्स कि उनकी सैलरी 1000 और 2000 के दरमियान है। तो यहाँ पे वो दो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहा है। एक तो देखें, सबसे पहले सिलेक्ट में वो क्लर्क्स की ये डिटेल्स को डिस्प्ले करवा रहा है, उसका एम्प्लॉय नंबर, उसका एम्प्लॉय नेम, उसकी जॉब और उसकी सैलरी, उनकी जिनकी जॉब जो है वो क्लर्क है। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब यहाँ पे दो कंडीशंस है, एक तो उनकी जॉब क्या होनी चाहिए क्लर्क को, दूसरा उनकी सैलरी भी 1000 से 2000 के दरमियान हो। तो हमने यहाँ पे दोनों कंडीशंस को क्या करना है, फुलफिल करना है। तो हम लोगों ने एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही हमारा जो रिज़ल्ट है वो आएगा। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, और एक कंडीशन ट्रू हो रही है और एक फॉल्स हो रही है, तो हम उसको जो है वो फॉल्स ही कंसीडर करेंगे, उसको ट्रू रिज़ल्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन हमने क्या बनाई, सबसे पहले सैलरी बिटवीन हो 1000 and 2000 के। अब ये जो है ना बिटवीन, ये एक ऑपरेटर है बिटवीन और एंड का, जो कि हम आगे नेक्स्ट अपना जो हमारा टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक कंडीशन तो वो ये है कि सैलरी जो है वो 1000 से 2000 के दरमियान हो, दूसरा क्या है कि जॉब क्लर्क हो। तो ये जो एंड है ये आपका क्या है, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, ये वाला जो एंड है ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बिटवीन एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक ऑपरेटर यूज़ कर रहा है बिटवीन एंड। ठीक है, और हम जो डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर वो यहाँ पे यूज़ कर रहा है कि एक कंपाउंड कंडीशन ये है और एक कंडीशन हमारे पास ये है, तो ये दो कंपाउंड कंडीशंस हैं, इनको उसने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसके लिए वो क्या यूज़ कर रहा है, एंड ऑपरेटर। तो अब हम देखेंगे कि किनकी सैलरी जो है वो 1000 से और 2000 के दरमियान है, यानी कि सैलरी जो है वो 1000 से ऊपर हो और 2000 से कम हो, यानी कि दोनों के दरमियान हो, ना तो 1000 से कम हो ना 2000 से ज़्यादा हो, और जॉब भी उनकी क्या हो, क्लर्क हो। तो हमने देखना है हमारे पास दो ही हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ मिले हैं, एक एडम और एक मिलर, जिसकी सैलरी 1000 से 2000 के दरमियान है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, राइट एक्यूरी डेट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज़ who are either clerks and all employees who earn between 1000 and 2000। अब इसमें देखें, इस क्यूरी के स्टार्ट में वो क्या कह रहा था, ठीक है, who earn all clerks and who earn 1000 and 2000। इसके अंदर वो और का वर्ड यूज़ कर रहा है, who are either clerks and all। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम और ऑपरेटर, वो क्लर्क भी हो सकते हैं या उनकी सैलरी 1000 से 2000 के जो है वो दरमियान हो, तो यानी कि ये दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होंगी। अब आप देखें यहाँ पे जितने भी क्लर्क आएंगे, एक तो ये इनकी जॉब क्लर्क है, ये इसलिए आए हुए हैं,
दूसरा यहाँ पे सैलरी, अब देखो ये वाला क्लर्क है लेकिन इसकी सैलरी जो है वो 1000 से 2000 के दरमियान नहीं है, लेकिन ये फिर भी आया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो रही है, ये सेल्समैन है। इसकी जो है, अब देखो जॉब इसकी क्लर्क नहीं है लेकिन इसकी सैलरी 1000 से 2000 के दरमियान है, यहाँ पे ये इसलिए आ गया। तो आप देखें कि और में क्या होता है कि अगर कोई एक कंडीशन भी कम फुलफिल हो रही है तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि द एंड एंड और ऑपरेटर कैन बी कंबाइंड इन अ लॉजिकल ऑपरेटर इन एंड एंड और अपेयर इन द सेम वेयर क्लॉज। वो कहते हैं कि एक क्यूरी के अंदर हम एंड भी और ये देखिए दोनों लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का कोई काम आ जाए कि अगर एक ही क्लॉज वेयर क्लॉज में एंड भी आ जाए और भी आ जाए, तो हम ऑल एंड्स आर परफॉर्म्ड फर्स्ट देन ऑल ऑर्स आर परफॉर्म्ड सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो एंड्स को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, एवेलुएट करेंगे, उसके बाद हम किसको करेंगे, और को करेंगे। एंड बिकॉज एंड हैज़ द हायर प्रेजिडेंस देन और, हायर की एंड की जो प्रेजिडेंस है वो और से ज़्यादा है। तो आप ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, ठीक है, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। अब आप देखिए यहाँ पे वो कंडीशंस लगा रहा है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1500 एंड जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। ठीक है, सैलरी जो है वो 1500 हो, जॉब जो है वो मैनेजर हो, या जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन। तो सैलरी तो 1500 से ऊपर ही हो लेकिन जॉब उसकी सेल्समैन भी हो सकती है और क्लर्क भी हो सकती है। तो आपने देखना है कि एंड ऑपरेटर यहाँ पे देखें, जो मैनेजर है, ठीक है, और जो आपका सेल्समैन है, उन दोनों की सैलरी क्या है, 1500 से अबव है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल आपकी सॉल्व होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, राइट अ क्यूरी डेट डिस्प्ले ऑल मैनेजर्स एंड सेल्समैन विद सैलरीज ओवर 1500। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि ऐसे एम्प्लॉयज और मैनेजर दिखाएं जिनकी सैलरी 1500 से ज़्यादा हो, तो वेयर सैलरी ओवर देन 1500 एंड जॉब इज इक्वल टू मैनेजर एंड जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन। ठीक है, तो इसमें पैरेंथीसिस में क्या वो कह रहे हैं, पैरेंथीसिस लगाने का पर्पज़ क्या है, द पैरेंथीसिस स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर शुड बी एवेलुएटेड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल और ऑपरेटर इज एवेलुएटेड बिटवीन और ऑपरेटर। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि अब ये देखें पैरेंथीसिस लगा दिए, तो पहले जॉब इज इक्वल टू मैनेजर एंड जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन ये आएगा, और उसके बाद फिर कंपैरिजन होगा सैलरी का। तो इस टेबल का रिजल्ट देखें, क्यूरी का और इस क्यूरी का रिजल्ट देखें, सिर्फ एक पैरेंथीसिस लगाने से दोनों का रिजल्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये आपने एग्जांपल्स इसको ज़रा डिटेल से देख लेनी है कि ये कैसे एग्जांपल आपने इसको सॉल्व करना है।